Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will tell you about Froebel's Playway Method. Froebel की educational philosophy क्या थी, उनके Playway Method में उन्होंने किन किन चीज़ों पर stress दिया था और क्या concept था उनका Playway Method को लेकर. If you want to watch my video on Froebel's Kindergarten Method, you can check out my previous video या फिर मैं उसका link description में mention कर दूँगी. सो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अपडेट्स. नाउ लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक फ्रोबल्स प्लेवे मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द टर्म प्लेवे. प्लेवे क्या है? खेल के जरिए. ठीक है, सो प्लेवे मेथड ऑफ टीचिंग मीन्स खेल के जरिए सिखाना पढ़ाना. अब प्लेवे क्या हो गया? प्लेवे का मतलब ये नहीं है कि जैसे फिज़िकली एक्सरसाइज या फिज़िकली मूवमेंट कराना, बाहर खेल रहे हैं बच्चे या उसके ज़रिए पढ़ाना. नहीं, प्लेवे का मतलब है खेल के ज़रिए पढ़ाना. जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं, हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंस, उसके ज़रिए हम बच्चों को जो सिखा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट कर रहे हैं, सो उसे हम कहते हैं प्लेवे मैथड, जिसमें कम्प्लीट फ्रीडम दी जाती है बच्चों को फॉर देयर सेल्फ एक्सप्रेशन, फॉर देयर सेल्फ डिस्कवरी. ओके, सो इट इज़ गुड फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ. मतलब फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ये मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि प्लेवे मेथड के ज़रिए हम इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं बच्चों का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. इससे वो क्रिएट इससे क्रिएट होता है इंटरेस्ट उनका और वो मोटिवेट होते हैं कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंटरेस्ट लें. सो इट इज़ बेस्ड ऑन दी चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड की साइकोलॉजी पे बेस्ड है. नाउ एज पर फ्रोबल, ह्यूमन ग्रोथ टेक प्लेस इन स्टेजेस, देयरफॉर एजुकेशन शुड बी फोकस ऑन चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड एक्टिविटी एंड यंग चिल्ड्रन शुड बी अलॉटेड टू मैनिपुलेट रियल ऑब्जेक्ट दैट आर यूजफुल. सो उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन ग्रोथ टेक प्लेस होती है स्टेजेस में, डिफरेंट स्टेजेस में, और एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड्स इंटरेस्ट, उनकी कैपेबिलिटी, उनके इंटरेस्ट पे एक्टिविटीज़, और हमें एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड करनी चाहिए. नाउ फ्रोबल्स एनकरेज यंग अनमैरिड वुमेन टू बिकम टीचर्स. उन्होंने इनक्रेज किया यंग अनमैरिज वुमेन को कि वो टीचर बने. ही रिकार्डेड टीचर एज अ गार्डनर. उनके अकॉर्डिंग टीचर गार्डनर का रोल प्ले करते हैं स्कूल में, और स्कूल जो है एक गार्डन की तरह होता है और टीचर एक गार्डनर की तरह होता है, एंड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स और फ्लावर्स की तरह उसमें ग्रो करते हैं उस गार्डन में, स्कूल के गार्डन में. सो टीचर एज अ गार्डनर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गाइडेंस एंड डायरेक्शन. सो टीचर क्या है? गार्डनर है जो रिस्पॉन्सिबल है, गाइड करता है बच्चों को, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है. ही प्रोवाइड्स एन एनवायरमेंट ऑफ लव एंड फ्रीडम. उसको लव और अफेक्शन भी देना है बच्चों को, और फ्रीडम देनी है, और उनको गाइडेंस एंड डायरेक्शन भी देनी है इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ही प्लान्स हिज वर्क वेरी केयरफुली. उनको प्लान करना है वर्क बहुत ही केयरफुली, और डेमोन्स्ट्रेट करनी है प्ले वे एक्टिविटी. So children can become creative and contributing member of society. तो so that teacher में जो student में creativity उसमें skills develop हो सके. Now Froebel ने develop किया variety of curriculum material जिसमें gifts और occupations पे उन्होंने बहुत stress दिया है. Gifts क्या है एंड occupation क्या है? They are educational toys जो helpful है child की growth के लिए, development के लिए, और understand करने के लिए different concepts. So gift जो है वो material है जो concrete form में है. Means उन्होंने ऐसे gifts को categorize किया on the basis of their shape, size, colors, numbers में gifts को categorize किया. Means जैसे for example उन्होंने अब क्यूब्स हैं, ट्राइंगल हैं, सर्कल शेप्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो डिफरेंट कलर्स के हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज किया सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट डीपली. बच्चे इजली और डीपली अंडरस्टैंड कर सकें कॉन्सेप्ट. फॉर एग्जांपल उन्होंने फर्स्ट गिफ्ट जो है वॉज अ सेट ऑफ सिक्स बॉल्स जो डिफरेंट कलर्स की हैं. तो उनका पर्पस इसमें क्या था कि पर्पस ऑफ दिस गिफ्ट वॉज टू टीच कलर रिकोगनाइजेशन, कलर रिकोगनाइजेशन हो जाए, शेप रिकोगनाइजेशन हो जाए.
एंड ऑक्यूपेशन क्या है? ऑक्यूपेशन मीन्स सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज मेंट फॉर डेवलपिंग डिफरेंट स्किल्स, स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए, प्रैक्टिस देने के लिए उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करना, जैसे कटिंग है, स्विंग है, ड्राइंग, पेस्टिंग, कलरिंग, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़, ताकि उनमें डिफरेंट स्किल्स डेवलपमेंट हो सके, मोटर स्किल्स डेवलपमेंट हो सके। सो प्ले वे मैथड के पीछे उनका मकसद था कि प्ले वे मैथड के ज़रिए बच्चों में जो यूनिकनेस है उनको अनफोल्ड करना, उनको निखारना, उनको बाहर निकालना, इनर टैलेंट्स को, हिडन कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालना। फ्रोबल सेड प्ले इज़ द प्योरेस्ट मोस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ मैन एट दिस स्टेज एंड एट द सेम टाइम टिपिकल ऑफ ह्यूमन लाइफ एज अ होल, ऑफ द इनर नेचुरल लाइफ इन मैन एंड ऑल थिंग्स। मीन्स फ्रोबल के अकॉर्डिंग जो प्ले वे मैथड है वो बहुत ही प्योरेस्ट और स्पिरिचुअल एक्टिविटी है। ठीक है, क्यों एक्टिविटी है? क्योंकि इसमें फ्रीडम दी जाती है और कंप्लीट फ्रीडम दी जाती है, जिसमें आपको इनर और आउटर पीस मिलता है। क्यों पीस मिलता है आपको? क्योंकि जो चाइल्ड्स की इनर वर्ल्ड है, ठीक है, उसकी जो इनर कैपेबिलिटीज़ है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी थिंकिंग प्रोसेस है, इट विल बी अवेकन थ्रू मैनुपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बाय मैनुपुलेटिंग ऑब्जेक्ट थ्रू प्ले। सो प्ले वे मेथड से उसका जो इनर वर्ल्ड है वो अवेकन होगा, वो उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, वो सेल्फ एक्सप्रेस कर सके। दैट इज़ वाई फ्रोबल यूज प्ले वे मैथड फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन इन किंडरगार्टन। इसलिए उन्होंने इस मैथड को डेवलप किया बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। इसे हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। प्ले वे मैथड इज़ अ मैथड दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मीनिंग ऑफ वर्ड प्ले। मतलब ये मैंने आपको पहले बताया कि नॉर्मल जो मीनिंग है वर्ड प्ले का, जैसे फिजिकल एक्टिविटी, खेलना, उससे ये डिफरेंट है। इट मीन्स फिजिकल, नॉट ओनली फिजिकल एक्टिविटीज़, इट मीन्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़ जिससे बच्चा प्ले वे मैथड के ज़रिए कुछ सीख रहा है। सो इससे क्या होगा? कोग्नेटिव डेवलपमेंट होगी बच्चे की, इमोशनल डेवलपमेंट होगी, स्किल्स डेवलपमेंट होंगी, क्रिएटिविटी डेवलप होगी, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट होगी उनकी। फ्रोबिल स्ट्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले इन अर्ली एजुकेशन। उन्होंने स्ट्रेस किया है प्ले का इन अर्ली एजुकेशन, यंग चिल्ड्रन में प्ले वे मेथड जो है उसमें स्ट्रेस दिया है उन्होंने बहुत ज़्यादा। गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन जो है किंडरगार्टन में, वो न्यू अप्रोच है मेथड ऑफ़ टीचिंग, उस पर उन्होंने गिफ्ट एंड ऑक्यूपेशन पे बहुत स्ट्रेस दिया है कि मेथड ऑफ़ टीचिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है, किसी बच्चे में हेल्पफुल है वो डीप अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है इंक्लूजन ऑफ क्रिएटिव वर्क इन द स्कूल। तो क्रिएटिव वर्क, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ देना बच्चों को, जिससे चिल्ड्रन में क्रिएटिव स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग की डेवलपमेंट हो सके। वेरियस गिफ्ट्स प्रोवाइड सेंसरी ट्रेनिंग, तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं जिससे सेंसरी ट्रेनिंग दी जा सकती है, तो सेंसरी सेंसेस की डेवलपमेंट होती है इससे। चिल्ड्रन टेक मोर इंटरेस्ट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थ्रू प्ले वे मैथड। उनमें हैप्पीनेस आती है, जॉयफुल एनवायरमेंट में दे कैन लर्न मोर ईजली। सो क्रिएटिवनेस, ड्राइंग आउट इनकी इनर एबिलिटीज, हिडन टैलेंट्स जो हैं वो निखर के बाहर आते हैं। उनमें सेल्फ एक्टिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन जो है वो डेवलप होते हैं थ्रू प्ले वे मैथड। सेल्फ डेवलपमेंट होती है अंडर टीचर गाइडेंस। सो ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है बच्चों में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रोबल्स एजुकेशनल फिलोसफी ऑन प्ले वे मैथड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।